सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, जो प्रोडक्ट है वो जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर स्प्रे। आफ्टर मेकअप या बिफोर मेकअप हर कोई मेकअप फिक्सर लगाता है, जो कि काफ़ी महंगे भी आते हैं मार्केट में, चीप क्वालिटी के भी आते हैं, लेकिन हमको ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरीके का मेकअप फिक्सर हमें चाहिए जो कि लॉन्ग लास्ट करे और अफोर्डेबल भी रहे। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर स्प्रे, जो कि मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसका रिव्यू और उसकी जो भी शेल्फ लाइफ है, उसकी प्राइसिंग और कैसा है, किस तरीके का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसकी जो बॉटल है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इतनी क्यूट सी है और बहुत ज़्यादा ये फ्रेंडली भी है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब आप इसे आराम से आप अपने ट्रैवल बैग में कहीं भी लेके इसे आप इजीली जा सकते हैं। और मैं बता दूँ इसका जो प्राइस है, ये जो डिटेल करते हैं वो है यहाँ पर मेंशन है 249, बट आप घबराइए बिल्कुल मत, इसका प्राइस जो है 249 है, बट ये आपको इजीली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल पे आपको डिस्काउंट में मिलता है। तो आप इजीली इसे 180, 200 या और भी डिस्काउंट्स रहे तो आप इस और अच्छे प्राइजेस में परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जब परचेस किया था, तो ये मुझे purple.com से मुझे ये 190 में डिटेल किया था, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे प्राइस लगा। मतलब 249 में इतना सारा डिस्काउंट मुझे मिल गया और आई थिंक मैंने सेल में ही इसे लिया था और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैंने फर्स्ट टाइम इसे परचेस किया था तो मैंने सोचा पता नहीं ये कितना अच्छा वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स है, स्विस ब्यूटी ले लो या मार्स ले लो या आप इनसाइट के प्रोडक्ट्स ले लो, और भी जो है ऐसे ये जो प्रोडक्ट्स है ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अफोर्डेबल है तो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक वन ब्रांड मेकअप शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके की बॉटल दिखाई दे रही है इसकी। इसका जो प्राइस है 249 है, बट ये आपको डेफिनेटली डिस्काउंट में मिलेगा। इसका जो लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका या पर्पल, कहीं पर भी मुझे मिलता है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर अपने लिए भी चेक करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका जो इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट है वो मेन है एलोवेरा और विटामिन ई। मतलब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा और विटामिन ई, जो कि काफ़ी अच्छा है आपकी स्किन के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है। मतलब बहुत सारे आपको मार्केट्स में जो सेटिंग स्प्रे या मेकअप स्प्रे आप कह लो मिलेंगे, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत ज़्यादा हार्श होती है और बहुत ना मतलब गंदा सा स्मेल करता है, बट इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने मतलब सेटिंग स्प्रे लगाया है। सेटिंग स्प्रे क्यों लगाते हैं? ताकि आपके मेकअप को लॉक कर सके, आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट रह सके। तो अगर आप चाहते अफोर्डेबल में जाने के लिए, तो अफोर्डेबल में ये सेटिंग स्प्रे आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ये मैंने परचेस किया था, मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तब मैंने परचेस किया था और मैंने काफ़ी बार इसे यूज़ कर लिया है। ऑलमोस्ट अभी तो इसमें दिखेगा नहीं, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की बोतल है ये, और आपको ईजिली आपके मेकअप के मतलब आप कहीं भी इसे रखेंगे तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसका कलर जो है ब्लैक है। और मैं बता दूँ, ये आपको 4 ईयर्स तक आपको ये शेल्फ लाइफ देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 4 ईयर्स तक पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। और इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये यहाँ पर कहते हैं कि आप इसे चाहे तो मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हैं या मेकअप के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप मेकअप लगाने के बाद ही, बिकॉज मेकअप लगाने के पहले हम हमेशा स्किन केयर करते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप हमेशा स्किन केयर करके मेकअप जब करते हैं उसके बाद ही इसे लगाएं, जिसकी हेल्प से ये आपके मेकअप को लॉक कर देगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा। इसका जो लॉन्ग लास्टिंग है ये 4 to 5 आवर्स है, मतलब आराम से 4-5 घंटा ही आपके मेकअप को लॉक करेगा। अगर आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा, हम कभी मेकअप करते हैं और मेकअप सेटिंग्स पे नहीं लगाते तो पसीने से, या आप कह सकते हैं कि
किस तरीके से बह जाता है, आपका मेकअप ब्लैक हो जाता है या फिर उतना अच्छा शाइन नहीं आता है। तो अगर आपके मेकअप को इन्हेंस करना है, उसको शाइन देना है या लॉन्ग लास्ट करना है या आपके मेकअप को लॉक करने का, आप कह सकते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे का एक ही काम होता है, आप के फेस पे ग्लो लाना और सेकेंड थिंग आपके मेकअप को लॉक करना, ताकि आपका मेकअप कोई भी इधर से उधर टस से मस ना हो। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आपकी स्किन को इतना अच्छा हो रहा है, ग्लो देगा सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद। मैं आप लोगों के साथ इसकी कैप और इसकी जो स्प्रे वो भी मैं शेयर करती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, किसी किसी सेटिंग स्प्रे की जो स्प्रे करने की जो होती है, मतलब आप कह सकते हैं स्प्रे जब हम करते हैं तो वो काफ़ी मतलब हार्श होती है, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी नहीं होती है और इवन वो नहीं लग पाता, मतलब थोड़ा यहाँ पर लगेगा, थोड़ा यहाँ पर लगेगा, थोड़ा यहाँ पर। तो ये जो स्विस ब्यूटी का जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये इवन लगता है, मतलब आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर, यहाँ तक का डिस्टेंस बना कर ही आप इसे, मतलब आप अपने फेस पर बिल्कुल भी इसे ना, कोई भी सेटिंग स्प्रे हो, किसी भी तरीका सेटिंग स्प्रे हो, कुछ भी हो जो स्प्रे करना है आपके फेस पर, वो यहाँ पास से ना करके आप थोड़ा लंबे से करें, बिकॉज उससे क्या होगा, उसकी जो एक वैल्यू होती है चीज़ की वो आपको अच्छी तरीके से देगा। बिकॉज आप थोड़ा पास से करेंगे तो आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा लंबे से, मतलब एटलीस्ट आधे से ज़्यादा फिट के लंबे से ही आप इसे करें। और जब कभी भी कोई भी सेटिंग स्प्रे आप लगाते हैं तो सबसे पहले उसे शेक कर ले इस तरीके से, आप देख सकते हैं मैंने इस आधे से ज़्यादा मेरा ये ख़त्म हो चुका है, मुझे सेकंड परचेज़ करना है। तो इसे अच्छी तरीके से आप इसे शेक कर ले, शेक करने के बाद ही इसे स्प्रे करें, वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर, और अपनी आँखों को आप हमेशा बंद करके ही सेटिंग स्प्रे लगाएं। और जब भी इसे लगाएं तो आप अपना फेस थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस तरीके से करें, जिससे कि आपके फेस पर पूरी तरीके से इवन में लग जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है आप डेफिनेटली आप इसे परचेस करिए, या फिर जिन लोगों ने परचेस किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके का ये है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये कुछ किस तरीके की दिखाई देता है। इसकी ये कैप आपको मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी, जो कि अच्छे से लॉक हो जाता है, जो कि आपको ट्रैवल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है कि ये खुल जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसकी कुछ इस तरीके की कैप आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं इसका कैप है। और इसे लगाने से पहले कोई भी सेटिंग स्प्रे या किस तरह का स्प्रे आप अपने फेस पर लगा ले, लगाने से पहले इसे शेक कर ले अच्छी तरीके के, ताकि जितना भी प्रोडक्ट नीचे बैठा हो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। शेक करने के बाद आप कैप ओपन करें। यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा बहुत मेकअप किया है, मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरीके से इस स्प्रे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितने लंबे रखा है, सी। और आपको कभी भी, जब कभी भी आप मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाते हैं, अपनी आँखों को हमेशा बंद रखें, डिस्टेंस बना कर रखें, और सेटिंग स्प्रे लगाने से पहले उसे शेक करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो थर्ड थिंग है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद अपनी स्किन को टच ना करें, एटलीस्ट 4 to 5 minutes उसको अच्छे से सेट होने दें। आप देख सकते हैं ये कुछ शाइन आप लोगों को मेरे फेस पर दिखाई दे रहा है, ये इसकी वजह से दिखाई दे रहा है, बिकॉज मैंने अभी इसे स्प्रे किया, ये शाइन जो आप थोड़ी देख रहे हैं मेरे फेस पर, इसकी वजह से। मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी और बजट में आपको इतना अच्छा सेटिंग स्प्रे मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही मतलब वाटरी टाइप है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, वाटरी टाइप है, तो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएगा। और जब कभी आप इसे लगाए तो एटलीस्ट 3 to 4 या 5 minutes, लास्ट 5 minutes इसे दे आप इसे सेट होने के लिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तुरंत लगाया और तुरंत आप चल दिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। लगाने के बाद एटलीस्ट 2, 3, 4 minutes, 5 minutes आप इसे दे सेट होने के लिए। और ज़रा भी हाथ ना लगाए, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ना लगाएं या किसी भी तरह का कोई ब्रश भी अप्लाई ना करें इसे लगाने के बाद, तो आपका जो आप देखेंगे जो आपका फेस का जो इन्हेंस हो जाएगा मेकअप लगाने के बाद, जो ग्लो करेगा वो अलग ही लेवल का होगा।
तो होप सो आप लोगों को मेरा ये रिव्यू इसकी लिए आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसका जो भी लिंक है परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार ज़रूर अपने लिए चेक करिएगा। और आप लोग अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ। स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम का लिंक, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी। आप मेरे सजेशन में ये स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे आप परचेस कर सकते हैं। अगर जिस किसी ने परचेस किया होगा तो उसे पता होगा कितनी अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। तो होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और भी मेरे चैनल्स हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। स्विस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, बहुत ही वर्थ है बाइंग, और काफ़ी अच्छे अच्छे इसके रिव्यूज़ है। तो आप लोग चाहे जहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपके लोकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। सो होप सो आप लोगों को मेरा ये रिव्यू या मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।